महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिन पहले हुए बड़े बदलाव से हलचल मची हुई है। इस बीच राज्य के सियासी गलियारों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक हो जाने की चर्चा चल रही है और इसके पोस्टर बैनर भी शहर में देखने को मिल रहे हैं। इसी संबंध में शिवसेना उपशहर प्रमुख दीपक पोहनेकर ने इसी तरह के पोस्टर के सामने दोनों ही ठाकरों को एकजुट होने की अपील की है। शिवसेना उपशहर प्रमुख दीपक पोहनेकर ने कहा कि महाराष्ट्र की सत्ता में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और कहीं ना कहीं यह महाराष्ट्र का अपमान और मराठाओं पर अन्याय है। देखा जाए तो हर बार महाराष्ट्र को न्याय देने का काम ठाकरे परिवार ने ही किया है, इसीलिए महाराष्ट्र और मराठाओं को न्याय दिलाने के लिए दोनों ही ठाकरों को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति जैसी भी हो अपने ही एक दूसरे के साथ आते हैं। या प्रकारचं राजकारण आपल्या महाराष्ट्र राज्याला परवडणार नाही। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जे मराठी भाषिक मराठी जनता राहते यांच्या कुठंतरी यांच्यावर एक प्रकारचा या राजकारणामुळे अन्याय होतो आहे। त्याच्यामुळं दक्षिण नागपूरमधून शिवसेनाकडून आमची अशी इच्छा आहे की महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी आणि मराठी लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी आता ही वेळ आली आहे खऱ्या अर्थाने की आता दोन्ही ठाकरेंना एकत्र होणे खूप आवश्यक आहे, कारण आपले आपलेच होतात, दुसरे कधी आपले होऊ शकत नाही। आणि या महाराष्ट्राला नेहमी न्याय देण्याचे काम ठाकरे परिवारांनीच केलेलं आहे, म्हणून आमची अशी मनातून विनंती आहे साहेबांना, उद्धव साहेबांना आणि राज साहेबांना की यांनी आमच्या विनंतीला लक्षात घ्यावं आणि दोघांनी एकत्र यावं आणि या महाराष्ट्राला एक मजबूत शिवशाहीची एक सरकार द्यावं आणि मराठी जनतेला न्याय द्यावा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एनसीपी नेता अजित पवार अपने कुछ विधायकों के समर्थन में एनसीपी में बगावत करके एनडीए में शामिल हो गए और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एक बार फिर राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया। इससे पहले दोनों ठाकरे एक साथ आने की चर्चा चल रही थी, चाहे वह 2017 का नगर निगम चुनाव हो या उसके बाद होने वाला विधानसभा चुनाव। जिस वक्त राज ठाकरे ने खुलेआम हाथ बढ़ाया था उस वक्त उद्धव ठाकरे ने कोई जवाब नहीं दिया था। रणनीति के तहत राज ठाकरे से अनुरोध किया कि अब सही समय है, जनता की भावना है कि मराठा लोगों की पहचान को बनाए रखने के लिए ठाकरे को एकजुट होना चाहिए। उनसे अनुरोध किया गया है कि कार्यकर्ता जो कह रहे हैं उस पर विचार करें। NBCN न्यूज के लिए अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।